स्वागत है आप सभी लोगों का। और आप सभी को जैसे पता है कि जीपीएससी एमबीआई का जो मॉक इंटरव्यू है वो ऑनलाइन चल रहा है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मॉक इंटरव्यू हुए भी हैं और जिनका इंटरव्यू होता है डेफिनेटली उनको वहाँ पे सजेशन दिया जाता है। हालांकि मेरा जो अनुमान था कि हम 20-25 मिनट में एक इंटरव्यू ख़त्म कर लेंगे, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। एक इंटरव्यू के लिए एटलीस्ट 30-45 मिनट्स का टाइम लग जाता है इंटरव्यू करने में, उनसे सजेशन लेने में, जो मल्टीपल डायमेंशन से उनको चेक करने में, फिर उनको बताने में कि कहाँ कहाँ उनको सुधार करना है, तो थोड़ा टाइम लगता है और आपके नंबर आने में थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। बट मैं कोशिश करूँगा कि आगे से डेली एक न एक इंटरव्यू रहे, ताकि ज़्यादा जितना ज़्यादा लोगों का पॉसिबल हो सकता है उतने ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू हो। अब यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपके साथ मेरा जो ऑब्जर्वेशन है मॉक इंटरव्यू का वो शेयर करने जा रहा हूँ, ये और ये ऑब्जर्वेशन इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपका इंटरव्यू हुआ हो नहीं हुआ हो, बट आपको ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखने हैं जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपके माइंड में रहेगा तभी आप उस डायमेंशन के उस डायरेक्शन के हिसाब से प्रिपरेशन कर पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं कंफर्म करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन मैं शेयर करने जा रहा हूँ, अगर किसी कैंडिडेट का जिसका इंटरव्यू हुआ है मॉक इंटरव्यू, अगर उससे ये कोइंसाइड करती है तो आपको इसको देख के फ्रस्ट्रेट नहीं होना है और ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि ये पर्सनली आपके लिए है। ये इन शॉर्ट बहुत सारे लोगों से ऐसी गलतियाँ होती हैं और ये बस इसलिए है कि आप एजुकेट हों, ये गलतियाँ आपसे फर्दर नहीं हो। अब जैसे इंटरव्यू में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे 3 जनरल सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। एक तो अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, अगर आपने उसके बारे में पढ़ा है तभी आपके पास उसकी नॉलेज रहेगी। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर आपको आंसर पता है तो आप दे पाओगे, नहीं पता है तो नहीं दे पाओगे। तो अच्छा यही होता है, पता है तो दे, अगर आंसर नहीं पता है तो सॉरी बोलना ज़्यादा अच्छा होगा कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर, जैसे भी आप मना करना चाहते हैं हम्बली मना कर दे, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप गोल गोल घुमाना चालू करें। दूसरा होता है कई बार बहुत जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे और उसके जवाब सबको पता होते हैं, और मेरा आज का ऑब्जर्वेशन इसी पे है कि जब आपसे बहुत जनरल सवाल पूछा जाता है और उसके जवाब भी सबको पता होते हैं, अब वहाँ पे कुछ कैंडिडेट होंगे बहुत जनरल जवाब देंगे और कुछ कैंडिडेट होंगे प्रोफेशनल जवाब देंगे। अगर आप उसका प्रोफेशनल जवाब देते हो तो आपको मार्क्स भी प्रोफेशनल तरीके से मिलेंगे, मतलब अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर जनरल जवाब दोगे तो जनरल मार्क्स भी मिलेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये जनरल जवाब या प्रोफेशनल जवाब क्या होता है। क्वेश्चन मैं आपको बोल देता हूँ, हो सके तो आप यहाँ पे क्वेश्चन सुन के वीडियो को पॉज कर लेना और आप सोचना कि अगर ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप कैसे इसको जवाब देते, और उसको रिकॉर्ड भी कर लेना, फिर देखना कि आप कैसे जवाब देते और क्या जवाब होना चाहिए। तो अगर सपोज करिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी व्हीकल अगर एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाती है तो आप क्या करोगे, वीडियो पॉज करके एक बार सोचिए कि यही क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा गया है तो आप क्या जवाब देंगे। अब मैं आपको जवाब बता रहा हूँ। कुछ कैंडिडेट होंगे, हालांकि इसका जवाब सबको पता है, ऐसा ये क्वेश्चन है ही नहीं कि कोई नहीं बता पाए। आपने तो मोटर व्हीकल एक्ट रूल पढ़े हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से पता है। जो लोग ना भी पढ़े हैं वो भी जनरल ड्यूटी के हिसाब से, कॉमन सेंस के हिसाब से इसका जवाब देंगे, बट आपने पढ़ा है इसलिए आपका जवाब एक जनरल आंसर से डिफरेंट होना चाहिए, एक प्रोफेशनल आंसर आपका होना चाहिए। ऐसा लगे कि आपने मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल पढ़ा हुआ है, ऐसा ना लगे कि एक कॉमन आदमी इसका जवाब दे रहा है। जैसे कई सारे लोग यहाँ से शुरू कर देंगे कि हम देखेंगे कि वहाँ पे कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, जितने लोग इंजर्ड हुए हैं एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, उनको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कराएंगे, उनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो कराएंगे, इसके बाद हम पुलिस को फ़ोन करेंगे। इस टाइप का जो जवाब है आपका, ये जनरल जवाब में आता है कि आपने एकदम सिक्वेंस शुरू किया कि पहले देखेंगे कौन कौन घायल है फिर उसको वो करेंगे। एक प्रोफेशनल जवाब ये होता है, मोटर व्हीकल अगर एक्ट आपने पढ़े हैं, ड्यूटीज़ उसमें आपने पढ़ी हैं, तो एक प्रोफेशनल जवाब ये होता है कि जो लोग इंजर्ड हैं हम उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। ये भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि अगर कोई सीरियसली इंजर्ड है, उसको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो माउथ से ब्रीथिंग कैसे किया जाता है ये भी आपको पढ़ाया गया, तो आप ये भी जवाब में ऐड कर सकते हो। बट मेडिकल ट्रीटमेंट देना है उसको पूरा प्रोसेस से नहीं बताना है कि हम देखेंगे कौन इंजर्ड है, फिर एम्बुलेंस को फ़ोन करेंगे, फिर उनको हॉस्पिटलाइज करेंगे, ये सीक्वेंस आपको नहीं बतानी है। दैट्स इट कि हम उनको मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल रिक्वायरमेंट जो होगी वो देंगे, इसके बाद जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसको हम इन्फॉर्म करेंगे कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, इतने लोग इंजर्ड हुए हैं, ये सिचुएशन है। इसके बाद चूंकि आपको इंश्योरेंस क्लेम भी करना होगा, आपको भी करना होगा, जो दूसरे रोड यूजर्स हैं उनको भी करना होगा, इंश्योरेंस क्लेम के लिए कुछ प्रूफ चाहिए होते हैं, तो जो स्पॉट्स है उसके फोटोज़ या वीडियोज़ हम ले लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे ताकि इंश्योरेंस क्लेम में वो काम आए।
फोर्थ चीज़ आप क्या कर सकते हो, अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है तो डेफिनेटली उसके वजह से ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो आपको ये करना है कि आपकी व्हीकल या एक्सीडेंट में जो व्हीकल इन्वॉल्व है उन उसको किसी तरीके से अगर आप साइडवे कर सकते हो रोड को तो ये करना है। जब आप इस तरीके से जवाब दोगे और उसके रीज़न के साथ बताओगे कि ये आप क्यों कर रहे हो, तो जो इंटरव्यूअर होगा उसको लगेगा कि आपने चीज़ों को पढ़ा है और जो आप कर रहे हो यो क्यों कर रहे हो उसको पता चलेगा। तो ये एक तरह से स्पेसिफिक जवाब है, मतलब शॉर्ट जवाब है और स्वीट जवाब है, आपको बहुत लेंदी उसको खींचना नहीं है कि हम ये करेंगे, गाड़ी से उतरेंगे, फिर जाएंगे, देखेंगे कितने लोग घायल हैं, फिर एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, फिर हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, उसके बाद पुलिस को बुलाएंगे, मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं जाना है। पॉइंट बता देने हैं कि हम उनको मेडिकल फैसिलिटी करेंगे, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करेंगे, इसके बाद इंश्योरेंस क्लेम के लिए कुछ फ़ोटो वीडियोज कलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम अगर वहाँ पर ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा होगा तो ये भी करेंगे। उसको ये भी पता चलेगा कि ट्रैफिक के प्रॉब्लम के लिए आपको पहले अपनी व्हीकल्स नहीं हटा लेनी है, क्योंकि आपको उसी स्पॉट्स का जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उसी के फ़ोटोज़ वीडियोस चाहिए होते हैं, जो आपके FIR अगर किसी गलती है उसमें भी काम आते हैं, आपका इंश्योरेंस सेटलमेंट के लिए भी काम आते हैं, और कोई वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसके भी काम आते हैं। तो ये दिखाता है कि आपने चीज़ों को ढंग से पढ़ा है, और ये तरीका से आप अगर आंसर देते हो तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो इन शॉर्ट ये मेरा ऑब्जर्वेशन था, ये एक क्वेश्चन जनरलाइज क्वेश्चन लेके मैंने आपको समझाया है, ऐसे क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के भी हो सकते हैं और टेक्निकल के भी हो सकते हैं। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो एक्सप्लेनेशन है आपको देखना है कि आप अपना एक्सप्लेनेशन चाहे वो टेक्निकल का हो या नॉन टेक्निकल का हो कितना स्पेसिफिक तरीके से दे सकते हैं, उसका जो सिक्वेंस है जिस सिक्वेंस में आंसर देना चाहिए ताकि इंटरव्यूअर प्रॉपर समझ पाए उसको, वो सिक्वेंस आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं। अब ऐसा नहीं कि आप सिक्वेंस मैच कराने में पूरा थियरी ही भूल जाएँ, बट प्रैक्टिस करने से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो पहले से जो चीज़ आप पढ़ें इंटरव्यू के लिए उसको प्रैक्टिस करते रहें। और बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया है कि प्रैक्टिस करते टाइम आप अपने क्वेश्चन को रिकॉर्ड करें और देखें कि आपसे क्या क्या गलतियां हो रही हैं और उसको सुधार करें। ओके, तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।